हाय फ्रेंड, मैं प्रीति, फिर वो लाइन भाई प्रीति से फ्रेंड्स। शादियों का मौसम चालू हो गया है। जेठानी एकादशी जो 11 सोते हैं, उसकी पूजा के बाद शादी के मुहूर्त चालू हो जाते हैं। तो शादी के सीजन चालू हो गया है, तो उसके लिए जो कुछ लड़कियों की विदाई होगी, कुछ बहुएं आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, और कुछ अपने घर से बेटियां दूसरे के घर में जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ चुनिंदा पंक्तियां इसमें करी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ भावनाएं जो क्या बेटी के मन में चल रही होती है, क्या पिता के मन में चल रही होती है, क्या माँ के मन में चल रही होती है, तो मैं वो थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली कोशिश है और मैं इसको दिल से कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो फ्रेंड्स, बेटी तैयारी कर रही होती है शादी की, घूम घूम के भाई पार्लर जाना है, यहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर वो रो रही होती है और किसी से कुछ नहीं कह रही होती है। तो उसको ये उसे दिया गया है, चेहरे की चमक देखी सबने, चेहरे की चमक देखी सबने, दिल का दर्द पूछेगा कौन, माँ की गोद में पली बड़ी, माँ की गोद में पली बड़ी, पिता के लिए सबसे लड़ी, पिता के लिए सबसे लड़ी, अब किसी और के घर चली। कहते हैं कि बेटी पिता की सबसे लाडली होती है, वो पिता के साइड हमेशा खड़ी रहती है। तो बड़े अनलकी होते हैं जिनकी बेटियां नहीं होती हैं। कहते हैं पिता सूरज का प्रकाश है, यदि तो प्रकाश की किरण है बेटियां, और यदि दीपक है पिता तो दीपक की ज्योति है बेटियां। तो पिता काम करता जाता है और सारी व्यवस्थाएं करता जाता है, और अंदर ही अंदर वो उसकी सोच चलती रहती है, विदाई को लेकर डरता रहता है। अपने सपनों को तोड़ चली आज बेटी घर छोड़ चली, अपने सपनों को तोड़ चली बेटी आज घर छोड़ चली, कल इस घर को सजाती थी, कल इस घर को सजाती थी, अपनी बातों से हंसती हंसाती थी, आज सब रस्म को तोड़ चली आज बेटी घर छोड़ चली। इस आंगन में जिसने बचपन खेला, शाम ढलते लगता गुड़ियों का मेला, सब बचपन को तोड़ चली आज बेटी घर छोड़ चली। उस समय जब वो तैयारी कर रहा होता है बेटी की शादी की और विदाई की, उसको बचपन से लेकर के सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने होता है, और वो किसी से कह नहीं पाता है, क्योंकि पिता अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता अपनी बेटी के सामने कि बेटी टूट जाएगी। तो अपने आंसुओं को वो रोक करके बर्फ बना करके रखता है। तो उसी का दृश्य बताया गया है, विदाई में जब बेटी की डोली उठी होगी, बाप की निगाहों में एक बर्फ जमी होगी। और कुछ लोग जाते हैं शादी में, बस खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और कुछ कमी निकालते हैं और चले आते हैं, और उस भावनाओं से अनजान होते हैं कि किसी की बेटी जा रही होती है। और एक पीछे का विधि सोच के देखिए, एक पिता ने अपनी जान दे दी, और खूब कहा है बेटी को देना कोई आसान काम नहीं है, एक पिता ने अपनी जान दे दी, नाजों से पाला, नाजों से पाला बड़ा किया, फिर बिटिया विदा कर दी, नाजों से पाला बड़ा किया, फिर बिटिया विदा कर दी। झलकता है अद्भुत संगम उनके चेहरे पे, झलकता है अद्भुत संगम उनके चेहरे पे, खुशी का और गम का, खुशी का और गम का, छलकते हैं आंसू जब उनकी बेटी की विदाई में। कहते हैं कि उनके आंसू में जो दोनों संगम होते हैं, खुशी का भी और गम का, जब बेटी की विदाई हो रही होती है, खुशी इस बात की कि मैंने अच्छा घर बार ढूंढ करके बेटी को अच्छे खुशी खुशी विदा कर रहा हूँ, मैंने अपना एक कर्तव्य निभा लिया, और बेटी को पराए होने का दर्द, वो
जो अधिकार आज बेटी पे अपना होता है वो अधिकार किसी और को दे रहा है, तो इस बात का गम भी होता है। और कुछ पंक्तियाँ और कहूँगी। चेहरे पर हंसी आंखों में नमी, चेहरे पे हंसी आंखों में नमी, बिना कुछ कहे हंसती हंसती घर से चली, कुछ ख्वाब सजाकर कुछ सपने लेकर, माँ बाप को छोड़ मन ही मन रोकर, मन ही मन रोकर हंस कर चली, अपने बारे में बिना सोचे, अपने बारे में बिना सोचे, हाथों में मेहंदी लगाकर, हाथों में मेहंदी लगाकर विदा हो चली, बाबुल का घर छोड़कर, बाबुल का घर छोड़कर किसी और की ओर चली, बेटी घर छोड़ चली। कहते हैं कि फ्रेंड्स बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। और बेटियों को आप इज्जत दीजिए, खुशियां देने के लिए एक अकेली बेटी ही काफ़ी है। तो इस सीज़न में या आगे वाले सारे सीज़न में जिन जिन बेटियों की विदाई होने वाली है या हो रही है, उनको हमारे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। और एक ही दुआ है कि मायके की कभी याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो दिल से दुआ है, दिल से आशीर्वाद है कि बहुत प्यार करने वाला सजन मिले, बहुत प्यार करने वाली फैमिली मिले। एक माँ बाप को छोड़ करके जा रहे हो, उनसे भी ज़्यादा प्यार और सम्मान देने वाले माँ बाप मिले। और जिस घर में तुम्हारे पैर पड़े हो, वो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो बस फ्रेंड्स, इसी दुआ और इसी आशीर्वाद के साथ चलते हैं, बस चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।